हम लोग अभी प्राचीन भारत का इतिहास का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के पशु एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन अंजीरा से, दमब सदात से, किलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत के पशु एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा गया है? किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा गया है? तो ऑप्शन पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लोह युग को। तो किसको कैल्कोलिथिक युग कहा गया है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? सामान्यतः हड़प्पा में किस हड़प्पा के बर्तनों में किस रंग का उपयोग किया गया? ऑप्शन लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो किस रंग का उपयोग किया गया है? तो लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो किस में पड़ता है? तो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी हुई ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो कौन सा है हड़प्पा का बंदरगाह? हड़प्पा का बंदरगाह जो है लोथल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ से हमें टेराकोटा का हल मिला है? तो हमें मिला है बनावली से। अगला, निम्नलिखित में से किस हरप्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिला है? ऑप्शन कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ से मिला है? तो हमें मिला है कालीबंगा से, जुते हुए खेतों का निशान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हरप्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित है? मोहनजोदारो और हड़प्पा के उत्खनन से कौन संबंधित है? ऑप्शन आर डी बनर्जी, वह कौन नहीं है, ध्यान दीजिए कौन नहीं है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ। तो कौन नहीं है? तो बी एस स्मिथ जो है इससे नहीं जुड़े हुए हैं। अगला, बोगज कोई का महत्व इसलिए है, बोगज कोई का महत्व किस लिए है? ऑप्शन वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, या मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है बोगज गोई, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ है? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पारुषणी। तो किस नदी के तट पे हुआ है दस राजन का युद्ध? पारुषणी नदी के तट पे हुआ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा है? सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, या दसवां मंडल। तो कौन सा है? हमारा नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हमने देखा है कि इसलिए किसको समर्पित है। ऑप्शन इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित सोम और स्प्रे के पेपर नामांकृत देवता। तो किससे है? तो सोम से संबंधित है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो किस में मिलती है? तो हमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन योग, न्याय,
सांख्य वैशेषिक त्रिकोण से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक तो किसने किया है? परमाणु सिद्धांत का, तो ये वैशेषिक ने किया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन कुंडल ग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुंडल ग्राम में हुआ है। महावीर जैन की मृत्यु, इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम। और मृत्यु कहाँ हुई है? देखिए ऑप्शन राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो कहाँ हुआ इनका मृत्यु? पावापुरी में हुआ है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर प्रथम शिष्य, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यूसुफ, विपिन, प्रभात। तो इनके जो पहले शिष्य है जमाली, जमाली कौन है? इनकी इनकी बेटी का पति, जमाली यानी इनका दामाद। प्रियदर्शना जो है इनकी बेटी, उन्हीं का पति है ये जमाली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्व, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्व जैन ग्रंथ कौन सा है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो कौन सा हो जाएगा? 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब बुद्ध का क्वेश्चन है, तो इनका सबसे पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? ऑप्शन लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इनका जो सबसे पहला ही सारनाथ में हुआ था धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? ऑप्शन लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये हुआ था कुशीनगर में। अगला है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी की, बौद्ध की, उपेक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो त्रिपिटक है ये किसकी है? तो बौद्ध की है। ये त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किसकी? बौद्ध की। अगला प्रश्न, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इनमें से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या त्रिरत्न जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बौद्ध से, हिंदू से, जैन से, ईसाई से, युगा से, एक या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? ये जो है ये जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो दोनों में समान नहीं है? ऑप्शन अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति व रिवाजों की अशुद्धता। तो ये आत्मदमन, एक जो है बहुत कठोर, महावीर बहुत कठोर रास्ता अपनाते हैं और जो है हमारे बुद्ध वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो कौन सी पीढ़ी की है? ऑप्शन तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। तो कौन सा है? पंचम। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाएं जो है वो किसने अपने आश्रम के लिए यूज किया है? ऑप्शन है आजीविकाओं ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो किसने किया है? आजीविकाओं ने उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मखली, गोशाला या उपाधि। तो कौन है? मखली, गोशाला। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनाभ। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है हमारे उदयन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सेम प्रश्न, तो किसने किया था? ऑप्शन किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो कौन है? ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। किसने किया है? तो उदयन ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किसने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो किसने बसाया था? उदयन ने। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो किसने किया था? लिच्छवी ने। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो कौन सी है? राजगृह, जिसको हम ब्रज भी बोलते हैं।
अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन मौर्य, हर्यंग, नंद, गुप्त। तो अजात शत्रु और बिम्बिसार जो है ये किसके हैं? हर्यंग के हैं। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? ऑप्शन विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स जो है उसने सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान की थी। अगला प्रश्न, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो किसने पढ़ा था? तो इसको जो पढ़ा था ये जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायमेचस लिप नहीं। तो किसने लिखा था? ये मेगस्थनीज ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज दूत था, मेगस्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक सारी। तो मेगस्थनीज जो है ये किसका दूत है? ये सेलुकस का दूत है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? ऑप्शन जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। तो सबसे अंतिम जो है ये कौन है? बृहद्रथ जो है मौर्य के अंतिम सम्राट हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त वर्णित है? किसका? रुद्र दमन प्रथम के बारे में किस अभिलेख में लिखा गया? ऑप्शन जूनागढ़, भित्री, नासिक, सांची। तो किस अभिलेख में? तो जूनागढ़ के अभिलेख में। जूनागढ़ के अभिलेख में अशोक के बारे में भी और किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में भी लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन से राजा हैं जिनका झुकाव जैन धर्म के लिए ज्यादा था? ऑप्शन दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविष्क। तो किसका है? खारवेल का। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ये किस उससे बिलोंग करते हैं? कलिंग नरेश। ऑप्शन महामेघ वाहन वंश, चेदी वंश, शातवाहन वंश, रठ भोजक वंश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इन क्या हो जाएगा आंसर? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? प्राचीन भारत का नेपोलियन नेपोलियन किसे कहा गया है? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो किसको प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है? यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। इतिहासकार विशेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेख हरिशेन हरिशेन थे, लेखक कौन थे? हरिशेन थे। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, हूनों को पराजित करने वाला कौन सा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त में हूनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत किस भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन बिना जुती हुई जंगली भूमि को, या सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस भूमि को कहते हैं? बिना जोती हुई भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? अपराहत। अगला प्रश्न, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, सुंग युन कब आया था भारत? ऑप्शन 1515 से 1520, या 1525 से 1529, 1545 से 1552, या 1592 से 1597। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। ये कब आया था? 1518 में आया हुआ था, 1518 में आया था, यानी कि ऑप्शन 1515 से 1520 में आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासन में किसने किस चीनी यात्री ने वो की थी? तो ऑप्शन देखिए, फायान, हेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो किसने की थी? हेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग आया हुआ था। अगला प्रश्न, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगनी। तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगनी।
अगला है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी, उदंतपुरी ये पुराने बिहार शरीफ का नाम है, तो ऑप्शन बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से तो उदंतपुरी क्या है, उदंतपुरी पुराने बिहार शरीफ का नाम है, यानी कि ये उदंतपुरी कहाँ पे है, बिहार में। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश जो है नॉर्थ गंगा के ऊपर वाले एरिया में कर्नाट वंश था, इसके संस्थापक कौन है? देखो ऑप्शन नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयादेव, हरिदेव, ये व्रत में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो है नान्यदेव थे। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रथम जो जिसने इसका स्थापना किया वो तो नान्यदेव थे, तो अंतिम कौन थे? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह, उपरोक्त से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो कौन थे? हरि सिंह जो थे वो आखिरी थे, नान्यदेव इसके संस्थापक थे और हरि सिंह जो थे इसके अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? तो अछूत की धारणा जो है अवधारणा किस में सबसे वो हुई है? ऑप्शन ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्म शास्त्र के समय में, तो किसके समय में अछूत की अवधारणा हुई है? तो ये जो है धर्मशास्त्र के समय में अवधारणा स्पष्ट हुई है। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क बौद्ध का कितना सभा हुआ था? तो चार हुआ था, चार काउंसिल हुआ था, तो कनिष्क के समय में क्या हुआ था? ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर, तो कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी, कैसे कनिष्क कैसे कश्मीर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी क्या? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध संगति, अच्छा पहला जो काउंसिल है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, उपरोक्त से कोई नहीं है, तो आखिरी जो चौथा था वो कश्मीर में हुआ था, किसने करवाया था? कनिष्क ने, और पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख है, यह दो स्तंभों एक और में लग जाए, चलिए इसमें मैच करना है कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में, तो अब हम मैच करके देखते हैं कि किस में आएगा। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोधगया में। प्रथम ये इन्होंने अपना जो ये दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में, और इनका निधन कहाँ हुआ था? तो ये निधन जो हुआ था वो लुम्बिनी में, तो इसके में सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, महा बोध गया में मंदिर जो बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया? ऑप्शन गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, क्या है? महाबोधि मंदिर कहाँ पे? बोध गया में, बोध गया में इनको क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो मंदिर ज्ञान प्राप्त के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को भगवान का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, तो ये जो है कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को भगवान का देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र, जैसा कि हम जानते हैं वैशाली के वैशाली में था गणतंत्र, सबसे पहला गणतंत्र। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपद जो है वो किस में उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांडोग्य में, संयुक्त निकाय में, तो 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में मेंशन है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल, तो गुप्त के समय में जो है हमारा ये नालंदा विश्वविद्यालय
का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध क्यों है नालंदा विश्वविद्यालय? ऑप्शन, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। तो किसके लिए फेमस है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन, राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्यों मध्यकालीन में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता में भर्ती के सुगमता से भर्ती के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, नीचे दो व्यक्तित्व दिए, मतलब मैच दी फॉलोइंग नहीं, तो नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन ए, कथन क्या है? कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। रीजन में दिया गया है, महावीर महाविहार को राजकीय प्रश्य मिलना बंद हो गया था। अब इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है लेकिन जो है रीजन जो है वो सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन, ईस्वीपूर्व चौथी शताब्दी, ईस्वीपूर्व छठी शताब्दी, ईस्वीपूर्व दूसरी शताब्दी, ईस्वीपूर्व पहली शताब्दी। तो मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष जो हुआ था ये ईस्वीपूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन, पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवगढ़ या चंपा। तो ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी, गर्भगृह भी थी। तो इसमें से 1, 2, 3 होगा। ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। अगला प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, उपरोक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें क्या था? वैशाली भी था, पाटलिपुत्र भी था। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद के बाद कौन सा आया था? ऑप्शन, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य किसके स्थापना किया था, यानी कि मौर्य वंश। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हुआ है? ऑप्शन, भास, शूद्रक, विशाखादत्त, अश्वघोष। तो किसके ग्रंथ में हुआ? तो विशाखादत्त के ग्रंथ में हुआ है। विशाखादत्त का कौन सा ग्रंथ? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? ऑप्शन, महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो धनानंद जो है वो सिकंदर के समय में था, सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, तो धनानंद के पास चाणक्य पहुंचे हुए थे बचने बचाने के लिए, लेकिन यह अपने ही तैश में था। तो समकालीन कौन है? धनानंद है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ है? ऑप्शन, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी का। तो किससे बना हुआ है? तो चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसने किया था? तो ये शिवाजी का है अष्टप्रधान का गठन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। तो
दक्कन में जो विजय प्राप्त किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का छुपारा शिलालेख। तो किसमें पता चलता है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का वहाँ भी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, सम्मिलित नहीं था, कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो अशोक के समय में श्रीलंका जो है नहीं था सम्मिलित। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित, अशोक के समय में बौद्ध का जो सभा है वो किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो कहाँ किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा मुख्यतः प्रयोग में लिया गया है। ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसके में प्राकृत का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाहीं, दाहिनी से बाहीं लिखी जाने वाली कौन सी लिपि है। ऑप्शन ब्राह्मणी, शारदा, खरोष्ठी, नंद, नगरी या उपरोक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या बोल रहा है कि दाहिनी से बाईं तरफ लिखे जाने वाली जो है वो खरोष्ठी लिपि है। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या। ऑप्शन राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, वृत्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अशोक के धम्म का मतलब जो है ये सारे ऑप्शन सही है, यानी ई हो जाएगा टोटल में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का साम्राज्य बताया है। ऑप्शन मास्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो किसमें लिखा गया है, तो भाबरू स्तंभ में है कि अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, अपने शिलालेखों में किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकृति। तो ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है किस पहलू पे है। ऑप्शन आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक नीतियाँ पे, धार्मिक जीवन पे या सामाजिक जीवन पे। तो ये जो है राजनीतिक नीतियाँ, नाम से अर्थशास्त्र है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक जीवन से ही, इसका जो है ये राजनीतिक का ज़्यादा वो किया हुआ है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो इनकी पुस्तक किस पे आधारित है। ऑप्शन आर्थिक समाज शासन, कला से सिद्धांत और अव्यास, विदेश नीति, धन संचरण, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है और एक से अधिक, क्योंकि कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत और जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र के सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि शिल्प एक व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, मेगस्थनीज भारतीय समाज को कितना श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसने जो किया है ये 7 श्रेणी में किया है। कौन कौन से है देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, मौर्य समाज में 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेघस्थनीज की पुस्तक में। अभी हमने देखा है कि ये 7 जो विभाजन है किसने किया है, तो मेघस्थनीज ने किया है। अगला प्रश्न है,
पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी ऑप्शन हो जाएगा टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैवो, में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका ये हो जाएगा क्योंकि ये एक अननोन ट्रैवलर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के संस्थापक का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन क्या है, दिव्यावदान, वदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। तो किसमें मिलता है? इंडिका में मिलता है प्रशासन का वर्णन। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली छह समितियों का उल्लेख किया। वह नगर में पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? हमने पहले ही देखा था इस प्रश्न को, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यंक वंशी शासन उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे किसने किया था? ऑप्शन देखिए, पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, भीमा कदफीशियस, गौतमीपुत्र शतकर्णी, या इसमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन है किसने किया था? भीमा कदफीशियस ने किया था। भीमा कदफीशियस। अगला प्रश्न, कला की गंधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली थी? कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? ऑप्शन है, कुशानों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्य के समय में। तो किसके समय में ये फली फूली थी? तो कुशानों के समय में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसने करवाई थी? कनिष्क ने। क से कनिष्क, के से कश्मीर, तो कनिष्क ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने अपना किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद, शुंग के बाद कौन आया हुआ था? ऑप्शन सातवाहन, कुषाण, कन्वा, गुप्त। तो कौन आया था? कन्वा आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत था। उनका अंतिम कौन था? देवभूत था। अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिन नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कन्व या कन्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगो के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम कहाँ से जुड़ा है? ऑप्शन गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ स्तंभ से, हाथी गुफा से, या सारनाथ लेख से। तो खारवेल का जो है हाथी गुफा से नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण घटना थी? ऑप्शन गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, या सातवाहन युग। तो किसके समय में? गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसा के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुंडहार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र भाष्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच, कैम्बे, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरोच था।
जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अगला प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक ने सबसे ज्यादा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दिए थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राजकूट या प्रतिहार। तो किसने दिया था? गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा, गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा, ऑप्शन सबसे ज्यादा ग्राम दान में दिया था। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त के समय में भूमि राजस्व का दर क्या था? ऑप्शन उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो क्या देता था? उपज का छठा भाग देता था गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी सबसे देन अधिक थी? ऑप्शन पार्थियन की, हिंदू यूनानी लोग की, कुषाण की या गुप्त की। तो भागवत में जो है गुप्त की सबसे ज्यादा योगदान थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती? किसने सबसे पहले भी यह व्याख्या दी थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने पर प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है? ऑप्शन आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्म वाड़ा में ही से कोई नहीं आया इससे अधिक। तो किसने बोली थी? तो आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से दिन और रात होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते, औषधि के क्षेत्र में कौन अपने कार्य के लिए जाने जाते? ऑप्शन सुश्रुत, शौमिला, शूद्रक, शौनक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे जिनका इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। शौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भाषा और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD श्री गुप्त के प्रारंभ होता है, जो सुसूत्र के मान्य काल प्रातः 600 से 1500 से करीब है, 1000 वर्ष बाद है, इसलिए सुसूत्र को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हिनसंग हिनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हिनसंग किस विश्वविद्यालय में आया हुआ था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो कहाँ पे ये अध्ययन किया था? तो नालंदा में। अगला प्रश्न है, हिनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हिनसंग के समय में सूती कपड़ों के लिए फेमस कौन सा था? ऑप्शन वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, काशी। तो कौन था? मथुरा। अगला प्रश्न है, कबीवान निवासी था। कबीवान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कबीवान कहाँ था? पाटलिपुत्र का था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया ऑप्शन है 405, 435, 437 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इन सिंह ने 671 से 672 ईसा पूर्व में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य के विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने फायान किसके शासनकाल में आया था? फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त एक, चंद्रगुप्त दो, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो किसके समय? यह उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त दो के समय में फायान कब आया था? तो चंद्रगुप्त दो के समय में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, पुष्पगुप्त या धर्मपाल। तो कौन है? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो ताम्र लेख जो है दर्शाता है कि हमारा किससे था? जावा और सुमात्रा से। अगला प्रश्न है,
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? बौद्ध विहार कहता था उसके देख रख रखाव यानी देख रेख हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से पांच गांव का अनुदान, किसने पांच गांव का अनुदान मांगा था देवपाल से? ऑप्शन धरिंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि बर्मन, योग कोई नहीं है एक से अधिक, तो किसने मांगा था? बाल पुत्र देव ने पांच गांव अनुदान में मांगा था। अगला हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? ऑप्शन मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल, तो कौन थे? मुसलमान, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का टाइम टाइम कर दिया। चलो अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? ऑप्शन चंदेल, गुर्जर पतिहार, शाहमान, परमार। खजुराहो मंदिर के निर्माण में कौन सहायक थे? तो कौन थे? चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महाराज महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था, विक्रमशिला के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन देवपाल, धर्मपाल, नन्हेपाल या नरेंद्र पाल, तो कौन है? धर्मपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, किस राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ऑप्शन कदंब, चेर, चोल, पांड्या, तो किसका नहीं है? कदंब का नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, उरैयूर जो है ये किस लिए विख्यात थे संगम काल में? ऑप्शन मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण, तो ये क्या है? ये कपास के व्यापार के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों का राजधानी थी, यह कारी एवं बराना नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युद्ध में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, ऑप्शन अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास, तो मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखादत्त का है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज राशो के लेखक है, पृथ्वीराज राशो का लेखक कौन है? ऑप्शन कलहन, विल्हन, जयानक या चंद्रवर चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज राशो के लेखक है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास ये किसके हैं? ऑप्शन कालिदास, भास, भभूति, राजशेखर, तो भास जो है ऑथर है स्वप्नवास दत्ता के। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? ऑप्शन वानभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिशयन या कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की है। इसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म का कथा वर्णित है। अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ऐसा कौन सा स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ऑप्शन संगम साहित्य, मिलिंद पन्नू, जातक कहानी, उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा मिलिंद पन्नू। मिलिंद पन्नू क्या है कि ये एक राजा की कहानी है, उनकी लव स्टोरी लिखी गई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त, तो किसने लिखी है? हर्षचरित जो लिखी है वो बाणभट्ट की, बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की किताब लिखी है, बाणभट्ट, बाणभट्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, चोल काल में किसके लिए प्रसिद्ध था, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार,
तमिल संस्कृति की उन्नति उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो चूल जो है ये ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, या फिर में से कोई नहीं है, एक तो ये चोल था। अगला प्रश्न, अगला और आखिरी प्रश्न एंशियंट का, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के आकर्षण द्वार जो है, मंदिर के आकर्षण द्वार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडलम, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, तो जो है हमारा आकर्षण द्वार ये क्या हो जाएगा? गोपुरम हो जाएगा। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।